महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश हो रही है और मॉनसून की पहली बारिश ने स्थानीय सेवाओं को भी बाधित कर दिया है। साथ ही मुंबई में लगातार हो रही बारिश से मुंबई का मौसम बेहद सर्द हो गया है। अगले चार दिनों में बारिश तेज होगी। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई समेत कोंकण तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी। मुंबई में पेट्रोल में 28 पैसे और डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। इसके साथ ही पेट्रोल की कीमत 102.04 रुपीस और डीजल की कीमत 94.15 रुपीस प्रति लीटर के पार निकल गई है। आरबीआई ने सभी बैंकों को एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी। आरबीआई ने कहा कि ग्राहकों के लिए एटीएम के 5 बार फ्री में इस्तेमाल की सुविधा बनी रहेगी, लेकिन इसके बाद भी गैर वित्तीय लेन देन के लिए 6 रुपए लगेंगे। वही वित्तीय लेन देन यानी पैसे निकालने के लिए लगने वाले शुल्क 15 रुपए से बढ़कर 17 रुपए कर दिया गया है। देश और राज्य में इस समय कोरोना का संकट है। राज्य में कल एक दिन में 12,207 मरीज मिले, 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे माहौल में जन्मदिन मनाना शोभा नहीं देता, तो मेरे जन्मदिन के लिए मत आओ, घर पर रहे, मन से अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपील की है। दहीसर पूर्व उपनगर के शिवाजी नगर इलाके में आज शाम हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शंकर हिल इलाके में 3 मकान ढह गए। फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि 26 वर्षीय प्रधुमन सरोज हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई।